ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि चंबा में मनोहर हत्याकांड पर बवाल जारी है। मनोहर हत्या के हवाले से अभी भी चंबा में बवाल जारी है। शिमला में वीएचपी का प्रदर्शन जारी है, डीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। मामले की एनआईए जांच की मांग की जा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, ये मांग वीएचपी के द्वारा की जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, अभी तक इस मामले पर जो है बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और वीएचपी जो है अब एनआईए से चाहती है कि इस पूरे मामले की जांच हो। बिल्कुल, और बड़ा आरोप आज वीएचपी की तरफ से लगाया गया है कि जिस प्रकार से राजनीतिक दल इस पूरे मामले के ऊपर अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो दुखद उन्होंने बताया। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आज प्रोटेस्ट शिमला में, राजधानी शिमला में किया गया और एक ज्ञापन डीसी को सौंपा गया, जिस ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल को ये ज्ञापन सौंपा गया डीसी के माध्यम से, और इसमें डिमांड्स अलग अलग लिखी है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। जो पहली और बड़ी डिमांड है वो यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो, ताकि डे टू डे बेसिस पर हियरिंग हो सके और जल्द से जल्द मामले का निपटारा हो सके। इससे पहले कि विश्व हिंदू परिषद ने जिस प्रकार से अंदेशा जताया है कि मामले का राजनीतिकरण हो रहा है, तो इससे बचा जा सकता है और जितने जल्दी सुनवाई होगी उतने जल्दी ही जो ट्रायल है सोशल मीडिया पे या फिर राजनीतिक दलों के, वो खत्म हो सकेंगे। और जो दूसरी बड़ी मांग उनकी तरफ से की गई है वो यही है कि जो आरोपी इस पूरे हत्याकांड में है उसका कहीं ना कहीं पहले की जो घटनाएं हैं उनमें कनेक्शन रहा है, ना मात्र रहा है प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से। तो ऐसे में इस पूरे मामले की जांच और आरोपी की संपत्ति की जांच, आरोपी के कनेक्शंस की जांच, ये तमाम चीजें एनआईए से होनी चाहिए। और तीसरी बड़ी बात जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कही गई है वो यही है कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, काम करने आते हैं, तो ऐसे में इन सब लोगों की रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है और दुकानों पर या फिर कस्बों पर या फिर अनेक स्थानों पर जो लोग आते हैं उनकी वेरिफिकेशन के साथ साथ उनकी आइडेंटिटी बेहद जरूरी है। तो तमाम जो संदेह है वो इस पूरे मामले के ऊपर जताया है विश्व हिंदू परिषद ने। इसके अलावा पिछले कल पूरे प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अनेक जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर प्रोटेस्ट किया गया और आज भी जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर प्रोटेस्ट किया गया और डीसी के माध्यम से ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा गया। और डिमांड यही है कि इस पूरे मामले में जो दोषी हैं, जो शुरुआती जांच में सामने आ रहा है, उन सभी दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द मामला स्पष्ट हो सके, जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सुनवाई हो सके और एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी की बात की जा रही है। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार का व्यवहार है उसके ऊपर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से संदेह जताया गया, भाजपा के ऊपर भी परोक्ष रूप से, हालांकि नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया लेकिन कहा गया कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए चुप्पी साधे हुए है भाजपा कई काफी मुद्दों के ऊपर और प्रदेश सरकार के ऊपर तो जरूर उन्होंने परोक्ष रूप से हमले बोले। तो ऐसे हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी भी इस पूरे मामले के ऊपर पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। अब सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और वहीं आरोपियों को न्यायालय की तरफ से 12 दिन का न्यायिक हिरासत में जरूर भेज दिया गया है। इससे पहले 2 बार पुलिस रिमांड भी जो मुख्य आरोपी है उसको दिया जा चुका है, 3 दिन 3 दिन के 2 बार पुलिस रिमांड इस पूरे मामले में दिए जा चुके हैं। उसके बाद अब 12 दिन की न्यायिक हिरासत में इन आरोपियों को भेज दिया गया है, सभी आरोपियों को। केवल जो नाबालिग आरोपी हैं वही इस पूरे मामले में अब जेल की सलाखों के बाहर हैं, बाकी सभी लोग अंदर हैं। हालांकि अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, संपत्ति की जाँच की जा रही है और जिस प्रकार से विपक्ष की तरफ से और एलओपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे संपत्ति के, राजेंद्र जिस तरह से इस मामले को लेकर के जस्टिस तो मांगी जा रही है, लेकिन फिर चाहे वो अलग ओपोजिशन पार्टियां हो या फिर डिफरेंट ग्रुप्स हो, वो भी अपना कहीं ना कहीं इस पर एजेंडा अपना लाने की कोशिश जो है लगातार कर रहे हैं। बहरहाल तमाम तर लोग यही चाहते हैं कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा हो। राजेंद्र, तमाम तर जानकारी के लिए शुक्रिया।